हेलो एवरीवन आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जिसके थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्बशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स एंड मोड ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है विच इज़ हाईली कॉयल एंड उसकी जो लेंथ होती है वो होती है सेवन पॉइंट फाइव मीटर्स इट्स सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस और साथ ही साथ इट रिसीव्स बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस बायल जूस जो बाइल जूस जो है वो लीवर से रिसीव होगा और पेनक्रियाटिक जूस जो है वो पेनक्रिया से रिसीव होगा और ये सारे जूसेस जो हैं वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे टू ब्रेक डाउन द फूड स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन द इंटेस्टाइनल जूस बाय स्मॉल इंटेस्टाइन कम्प्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं उनको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करेंगे जो इंटेस्टाइनल जूस जो सीक्रेट हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और फैट का डाइजेशन करेंगे जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि एलिमेंटरी कैनाल में या डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ एसोसिएटिव ऑर्गन या एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं जैसे कि लिवर है गॉल ब्लैडर है पेनक्रियाज है लिवर इट इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द राइट साइड इन द अपर पार्ट ऑफ द एबडोमैन इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आर बॉडी लिवर का फंक्शन क्या होता है लीवर सीक्रेट बाइल जूस जो कि फैट्स का डाइजेशन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गॉल ब्लेडर इट स्टोर द बाइल जूस और ये एक सेकलाइट स्ट्रक्चर -like होता है गॉल ब्लेडर जिसमें बाइल जूस जो है वो स्टोर रहता है जो कि सीक्रेट किया जाता है बाय द लीवर पेनक्रियाज इट इज अ क्रीम कलर ब्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक और इसका फंक्शन होता है इट्स सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस विच एक्ट अपॉन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर फॉर्म ये क्या करता है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है और ये पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं और ये क्या करते हैं दे एक्ट अपॉन या पेनक्रियाटिक जूस एक्ट अपॉन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड कन्वर्ट दैम इंटू सिंपलर फॉर्म एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं जो डायजेशन होते हैं उसमें एंड प्रोडक्ट मतलब सिंपल फॉर्म क्या क्या बनेगी प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं फैट्स जो है वो फैटी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं एब्जॉर्बशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन जैसा कि मैंने बताया है बताया था पहले पहले प्रीवियस क्लास में कि एब्जॉर्बन जो होता है वो डाइजेस्टेड फूड या न्यूट्रिय का एब्जॉर्ब होना थ्रू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन द इनर वॉल ऑफ इन स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसका नाम होता है विली जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में पाया जाता है वो अपना सर्वेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर एब्जॉर्बशन ऑफ फूड और द डाइजेस्टेड फूड इज देन ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स और जब वहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड वेसल्स में तो फिर वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एसिमुलेशन उस फूड का एब्जॉर्ब होना मतलब डाइजेस्टेड फूड या डाइड या न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्व होना बाय वॉल ऑफ इंटेस्टाइन और फिर वहां से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन या पूरे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को ट्रांसपोर्ट करना थ्रू ब्लड वेसल टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन दैट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी और जो बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट है बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है वो कैसे ऑप्शन होती है बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन सेल बाई द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और जो अनऐब्जॉर्ब या फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू पुष्ट कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में ये देख सकते हैं आप ये विली को जूम करके यहां पर बताया गया है यहां पर यह अपना जो इनर वॉल में एक फिंगर लैक -like प्रोजेक्शन होता है जो कि होता है विली वो अपना सर्फेस एरिया बढ़ाता है जहाँ पे फूड एब्जॉर्ब होता है और वहां से जाता है ब्लड वेसल्स में लार्ज इंटेस्टाइन इट इज वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर होता है वाइड होता है लेकिन लेंथ में शॉर्ट होता है इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 1.5 मीटर इसका मेन फंक्शन क्या होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड आया है लार्ज इंटेस्टाइन में उसमें से वाटर और कुछ सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना इसका फंक्शन होता है और उसके बाद जो सेमी सॉलिड वेस्ट जो बचा कुचा वेस्ट जो होता है वो पास कर दिया जाता है रेक्टम में और फिर वहां से रेक्टम में से जो वेस्ट है सेमी सॉलिड वेस्ट है फीसेज है वो एनएच के थ्रू बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है और उस प्रोसेस को कहा जाता है इजेशन, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउस बफेलोस आर कॉल्ड रूमिनेंट्स इनको रूमिनेंट्स कहा जाता है बिकॉज दे हैव सेपरेट पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमेन क्योंकि इनके पास एक सेपरेट पार्ट होता है स्टमक का जिसको कहा जाता है रूमेन इसमें होता क्या है इस पार्ट में फूड जो है वो स्टोर होता है क्योंकि ये फूड सीधा स्वेलो कर लेते हैं ये फूड को चबाते नहीं है च्यू नहीं करते वो सीधा फूड स्वेलो करते हैं और वो कहाँ स्टोर रहता है रूमेन में जहां पे ये पार्शली डाइजेस्ट होता है फॉर्मिंग कर्ड रूमिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच कर्ड रिटर्न टू द माउंट इन स्मॉल लर्म्स एंड देन द एनिमल्स च्यूज इट। रूमिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें कर्ड जो है वापस से माउथ में आता है इन स्मॉल लम्ब्स और फिर वो उसको च्यू करते हैं फिर वो उसको वहां पर चबाते हैं ग्रास कंटेन सेल्यूलोर्स विच इज डाइजेस्टेड बाय स्पेशल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सेक लाइक स्ट्रक्चर ग्रास में सेलुलोज होता है जो कि डाइजेस्ट किया जाता है बाय स्पेशल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सेक्लाइट स्ट्रक्चर और वो कहां पर होता है बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन मोड ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा देखते हैं अमीबा जो है फीड और डाइजेशन कैसे करते हैं अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यह आपको पहले ही बताया है मैंने और आपको पता भी होगा कि अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है इसमें सेल मेम्ब्रेन अराउंड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं इसका जो शेप है वो वेरिएबल होता है इसका शेप जो है वो फिक्स नहीं होता इट हैज टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया इसके बाहर की तरफ बाहर की जो स्किन होती है वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको कहा जाता है सूडोपोडिया और फॉल्स फीट जो कि अमीबा को मूवमेंट में और फूड कैप्चर करने में हेल्प करते हैं इट ईट्स टाइनी ऑर्गेनिज्म बाय स्प्रेडिंग आउट इट्स सूडाफोडिया ये उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को या सूडोपोडिया को स्प्रेड करते हैं फूड पार्टिकल को एनगल्फ करने के लिए उसके चारों तरफ अपने सूडोपोडिया स्प्रेड करते हैं और उस फूड को एनगल्फ कर लेते हैं उसको अंदर ले लेते हैं द तो गेट फूड गेट्स ट्रैप्ड इन साइड फूड वैक्यूल्स इनटू विच डाइजेस्टिव जूसेड आर सीक्रेटेड और जो फूड अंदर जो लिया है उन्होंने एनगल्फ किया है वो वहाँ पर अंदर की साइड डाइजेस्टिव जूसेज जो है वो सीक्रेट किए जाते हैं और उस फूड को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है द डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जॉर्ब विच इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लीकेशन जो डाइजेस्ट हुआ है फूड उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है फॉर द ग्रोथ मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लीकेशन और जो अनडाइजेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है मतलब इजेशन हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं पहले पिक्चर में ये फूड जो है बाहर इनको अमीबा को दिखा है उसके बाद इन्होंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या जो सूड कोडिया है उसको स्प्रेड किया है और फूड को अंदर ले लिया है तो इंजेशन हो गया है फिर उसके बाद एनगल्फ करने के बाद एसिमिलेशन और डाइजेशन हो रहा है मतलब फूड का डाइजेशन हो रहा है और फूड न्यूट्रिय जो है वो एब्जॉर्व हो रहे हैं उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकाल दिया गया है तो इसका हो गया है इजेशन आज की क्लास में इतना ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें थैंक यू